हेलो ऑल वेलकम बैक टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो थैंक यू सो वेरी मच सो हम देखते हैं हम आज के वीडियो में क्या कवर करेंगे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन सो प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन कवर किया था आज के वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन कवर करेंगे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन का और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज मीनिंग भौतिक गुण सो so, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण क्या होता है किसी भी पदार्थ या ऊर्जा का भौतिक गुण वो होता है जिसे हम माप सकते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं सो so, क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज एनी property of matter or energy that can be measured clear so a physical property is any property that is measurable and whose values describes a state of physical system so जिस भी पदार्थ या ऊर्जा की value प्रॉपर्टीज हम मेजर कर सकते हैं माप सकते हैं उसे कैटेगराइज कर सकते हैं वो सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर फॉल करेंगी ओके सो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन ओके जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे सो फर्स्ट वन इज टेनेसिटी और स्ट्रेंथ सो टेनेसिटी और स्ट्रेंथ को हम माप सकते हैं मेजर कर सकते हैं इसलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आएगी ओके नेक्स्ट इलास्टिक रिकवरी एंड रेजिलेंसी डेंसिटी एंड मॉइस्चर एब्सॉर्बन सो ये सारी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर कवर करेंगे कॉटन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ओके सो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फर्स्ट वन इज लस्टर सो लस्टर क्या होता है लस्टर एक जेंटल शीन और ग्लो होता है जनरली लस्टर का मीनिंग होता है जेंटल शीन और ग्लो बट इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल लस्टर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ फाइबर सो टेक्सटाइल के टर्म्स में लस्टर का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ फाइबर फाइबर के पे से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो जितनी हो रही है वो उसका लस्टर लस्टर डिस्क्राइब करेगा ओके सो कॉटन का कैसा होता है कॉटन जैसा कि हमें पता है कॉटन का कलर वेरी करता है फ्रॉम येलो टू ब्राउन सो कॉटन वेरी फ्रॉम येलोइ टू ब्राउनिश अकॉर्डिंग टू द वेराइटी ऑफ कॉटन ओके एंड इसी वजह से कॉटन में कोई लस्टर नहीं होता द अनट्रीटेड फाइबर हैज नो लस्टर लस्टर बट आफ्टर फिनिशिंग प्रोसेस एडेड टू द कॉटन कॉटन ओके सो में अपना कोई लस्टर नहीं होता क्योंकि बहुत ही डल कलर होता है और कोई शाइन नहीं होती है बट मर्चराइजेशन फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू कॉटन में लस्टर एड किया जाता है ओके okay? क्लियर हो गया लस्टर नेक्स्ट वन इज tenacity or strength so strength of fiber is indicated by the ability to resist being pulled or torn apart when subjected to stress or tension so kya hota hai strength jab kisi bhi fiber mein tanav diya jata hai stress diya jata hai और उसे खींचा जाता है सो तो वो खींचने या फटने का विरोध करता है resist करता है So, इसी जो रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी होती है क्षमता होती है वही उस फाइबर की स्ट्रेंथ होती है ओके सो कॉटन हैज अ टेनेसिटी ऑफ थ्री टू फाइव ग्राम पर डेनियर दिस प्रोड्यूस अ फाइबर ऑफ मॉडरेट टू अब एवरेज स्ट्रेंथ सो कॉटन की जो स्ट्रेंथ होती है वो मॉडरेट टू अबव एवरेज होती है वेरी गुड स्ट्रेंथ होती है कॉटन फाइबर की और जब कॉटन फाइबर वेट हो जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि कॉटन जो होता है वो सेलोस का बना होता है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिक उसका स्ट्रक्चर होता है का जो आपस में ऐसे बॉन्ड बना के रखते हैं जो उसकी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जब सेल्युलस वेट हो जाता है तो ये बॉन्ड्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और फाइबर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है

सो so, पहले हम जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है ओके सो इलास्टिसिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ फाइबर कैन बी इलांगेटेड बाय स्ट्रेचिंग एंड कम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड कंडीशन व्हेन रिलीज समझ में आ गया क्या होती है इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वो रेंज होती है जिसमें एक फाइबर को खींच बढ़ाया जा सकता है और उसे रिलीज करने पर वो फाइबर जो होता है वो अपनी पोजीशन में वापस से आ जाता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से आ जाता है सो so, वो जो रेंज होती है जि, जिस रेंज तक फाइबर को खींचा जा सकता है इलांगेट किया जा सकता है स्ट्रेच किया जा सकता है वो उस फाइबर की इलास्टिसिटी होती है ओके एंड कॉटन फाइबर हैज अ वेरी लिटिल इलास्टिसिटी कॉटन फाइबर को अगर आपने एक बार स्ट्रेच कर दिया तो वो स्ट्रेच हो गया वो वापस आ, आप उसे जब रिलीज करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आता है इलेस्टिसिटी कैन बी ऑल्टर बाई हार्ड ट्विस्टिंग फाइबर्स इन टू क्रेपन एंड बाई यूजिंग फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एसिंग सो हार्ड ट्विस्टिंग फाइबर्स क्रेपय एड करके उसकी कॉटन की इलास्ट्रिसिटी बढ़ाई जा सकती है ऑल्सो निटिंग टेक्निक्स के हेल्प से भी कॉटन की इलास्ट्रिसिटी बढ़ाई जा सकती है बट कॉटन की नेचुरल इलास्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है ओके okay? Resiliency. So resiliency क्या होती है Resiliency refers to the extent to which a fabric can be deformed by compression or crushing and return to its original condition. So ये वो range बताती है resiliency जिसमें fabric को अगर हमने crush कर दिया या फिर उसको compress कर दिया so वो deform हो जाएगा अपनी original condition जो उसकी है उससे change हो जाएगा Suppose आपने cotton fabric लिया और उसे crush कर दिया सो so, जब आप रिलीज करेंगे प्रेशर सो so वो क्रशड ही रहेगा सो so, वो उसकी रेजिलेंसी जितना प्रेशर लगा कि उसे क्रश किया गया वो रेंज हो गई उसकी रेजिलेंसी एंड द टेंडेंसी ऑफ कॉटन फैब्रिक्स टू रिंकल इजली मे बी ऑफसेट बाई फिनिशिंग प्रोसेस दैट गिव अ रिंकल रेजिस्टेंट क्वालिटी सो जो कॉटन की रिंकल एबिलिटी होती है जो बहुत ही जल्दी इजिली रिंकल हो जाता है उसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बाई फिनिशिंग प्रोसेस ओके सो फिनिशिंग प्रोसेस के थ्रू रिंकल रेजिस्टेंट क्वालिटी इनहस की जा सकती है कॉटन में एड की जा सकती है कॉटन में ओके नेक्स्ट डेंसिटी सो कॉटन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस फाइबर होता है कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंस ऑफ ऑल कॉमनली यूज फाइबर बहुत ही ज्यादा घना फाइबर होता है मीनिंग जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है जो सेलुलोज के बॉन्ड्स होते हैं वो आपस में बहुत स्ट्रांगली बहुत क्लोजली निट होते हैं इसीलिए इसकी डेंसिटी हाई होती है नेक्स्ट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन सो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन क्या होता है द ईज एंड एक्सटेंट टू व्हिच मॉइस्चर कैन बी पेनिटरेटेड इनटू फाइबर इज टर्म्स एज एब्जॉर्बेंसी सो जितनी आसानी से मॉइस्चर फाइबर में पेनिट्रेट uh, हो जाता है स्प्रेड आउट हो जाता है वो उस uh, दर्शाता है उस फाइबर की एब्सॉर्बेंसी को ओके एंड कॉटन हैज अ वेरी गुड एब्सॉर्बेंसी प्रॉपर्टी इट कैन बी एब्सॉर्बेंटी ट्वेंटी परसेंट वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है तब तक वो वेट uh, फील नहीं होता वो बिल्कुल ही नॉर्मल uh, ड्राई जैसा फील होता है क्योंकि इसकी एब्सॉर्बेंसी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई होती है